चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 मई को यहां वोट डाले जाएंगे। अब इस ऐलान के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भर दी है। उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक की हर सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे आम आदमी पार्टी कर्नाटक में चुनाव लड़ने की तैयारी लंबे समय से कर रही थी। अरविंद केजरीवाल की राज्य में रैली कर चुके हैं, ऐसे में अटकलें पहले से थी कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देने का काम करेगी। अब कड़ी में केजरीवाल ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी कि चुनावी मैदान में चार बड़ी पार्टियां एक दूसरे का मुकाबला करने वाली हैं। जानकारी के लिए बता दें कि चुनावी समर में आम आदमी पार्टी इस समय सबसे आगे चल रही है। उसने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। अभी तक किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, सिर्फ मंथन चल रहा है।